हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीच में सौरभ राज जी बैठे हैं जिन्होंने अपना ग्रुप वन क्लियर किया है मई 2023 में। इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम्स इनको काफी हो गई थी और अब ये रिकवर कर गए हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपना मेहनत नहीं हारा, हिम्मत से उन्होंने अपना मेहनत करके आगे बढ़ते गए और आज ये ग्रुप वन क्लियर हैं और जल्दी से सीए बन जाएंगे। तो SFM की क्लास कैसी लगी आपको? क्या आपको उसमें अच्छा लगा? इतने अच्छे आपके मार्क्स मिले हैं इन स्पाइट ऑफ द टफ पेपर, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें बावजूद भी आप इतने अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं। आप SFM में जो स्टॉक मार्केट की बात हम बताते थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लिंक करते थे, इंटर की चीजों को भी हम फाइनल में बताते थे और मोटिवेशन जो देते थे, ओवरऑल कैसा लगा पूरा पैकेज प्लीज बताइए, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके और आप जितना ही अच्छा कर सकें। सबसे पहले सर आपको प्रणाम सर। और मुझे सर आपका क्लास लिए सर सबसे अच्छा ये लगा कि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा हुआ सर, स्टॉक मार्केट क्या होता है और उसका क्या रिलेशन है पूरा बुक सब्जेक्ट से, और सारा आपका सर जो कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ाते हैं वो अच्छा लगा सर। और मतलब क्वेश्चन वाइज आप जो क्वेश्चन कराते हैं वो अच्छा लगा। आप जो सर IPO के बारे में बताते हैं, ट्रेडिंग के बीच में आप क्लास के बीच में लास्ट में ट्रेडिंग भी करवाते हैं, वो ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं सर, वो भी अच्छा लगा। और सर सबसे अच्छा ये मैं बोलना चाहूंगा सर, आप जो बोलते रहते हैं कि वर्क हार्ड तो बहुत जरूरी है सर करना, और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मेरा बीच में कंसिस्टेंसी टूट गया था सर, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया था इसकी वजह से कंसिस्टेंसी मेरा टूट गया था। और सर क्लास तो सर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आया सर आपका क्लास करने में, और थैंक यू फॉर योर टीचिंग्स। एंड मेरा ग्रुप वन निकल गया, बस ग्रुप टू बाकी है, वो नवंबर में निकल गया। बहुत अच्छा सौरभ जी, आप आगे जिंदगी में अच्छा करते रहें और जैसे ही आप सीए बने मुझे जरूर बताइएगा, मैं बहुत इंतजार करूंगा और आपने जो स्ट्रगल किया वो जरूर एक दिन आपको उसका फल मिलेगा। थैंक यू सो मच।